हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के अंदर दूसरा YouTube चैनल कैसे ऐड कर सकते हो, दूसरा YouTube चैनल को आप एक चैनल के अंदर कैसे लगा सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी YouTube वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने YouTube चैनल को खोल रहा हूँ। योर चैनल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर गाइस नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल के अंदर और एक YouTube चैनल यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो इस प्रकार से गाइस आप भी अपने YouTube चैनल में किसी दूसरे YouTube चैनल को कैसे ऐड कर सकते हो, अपने ही किसी चैनल को यदि आप ऐड करना चाहते हो तो किस तरह से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर गाइस चैनल्स का एक ऑप्शन है, चैनल्स का एक सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आपको यहाँ पर आपका ऐड किया हुआ चैनल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह इसे आपको किस तरह से ऐड करना है उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ऐप को खोलना है और यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करके आपको लिखना है studio.youtube.com। आपको यहाँ पर लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब स्टूडियो को आपको ओपन कर लेना है। ओपन यदि यहाँ पर सर्च करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आता है तो आपको नीचे यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, जूम करना है। उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह का आइकन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर फीचर्ड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टमाइज द लेआउट ऑफ योर चैनल होम पेज विथ अप टू 12 सेक्शन। तो मैक्सिमम यहाँ पर आप 12 सेक्शन लगा सकते हो। तो मेरे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तीन यहाँ पर लगाया हुआ है। सबसे पहले है पॉपुलर अपलोड्स, उसके बाद है अपलोड्स और उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे नीचे फीचर्ड चैनल्स। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर चैनल भी लगा हुआ है। तो इसमें आप चैनल कैसे लगा सकते हो, सबसे पहले मैं इस चैनल को यहाँ से हटा देता हूँ। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके रिमूव सेक्शन के ऊपर क्लिक करके मैं इसे इस तरह से हटा लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर में पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो चैनल है यह हट चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिल जाएगा फीचर्ड चैनल्स का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल को सर्च करना है। आपको नीचे यहाँ पर एनी चैनल ऑन YouTube इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सर्च करना है, यहाँ से यहाँ पर आपको अपना चैनल का जो नेम है, जिस भी चैनल को आप ऐड करना चाहते हो उसको आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपका काफ़ी सारे यहाँ पर चैनल्स आ जाएगा, इनमें से आपका जो भी चैनल है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पर सबसे ऊपर का जो है ये है, तो मैं इसे यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक्शन टाइटल का ऑप्शन। तो इसमें आप चैनल में जो टाइटल लगाना चाहते हो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो सेकेंड सेकेंड चैनल, यहाँ पर आप लिख सकते हो CHANNEL चैनल, इस तरह से आप लिख सकते हो। सेकंड चैनल माय सेकंड चैनल, इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर चैनल को सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपको नीचे टर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा चैनल। तो उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपका सेटिंग सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके YouTube चैनल में और एक YouTube चैनल ऐड हो जाएगा जिसको आप ऐड करना चाहते थे। तो यहाँ पर आपका YouTube चैनल ऐड हो जाएगा। आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।